हेलो एवरीवन, आई एम आत्रेय। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोज आत्रेय। आज फिर से लेके आई हूँ और एक नया ब्लॉग के साथ। जैसे सुबह होता है मैं बालकनी में निकल जाती हूँ मेरी जो अतिथि है, नए नए अतिथि लोगों को देखने के लिए, ताकि उन लोगों का ख्याल ठीक से रख पा रही हूँ कि नहीं, वो लोग ठीक है कि नहीं, वो लोग अच्छे है कि नहीं, पानी ठीक टाइम पर हम दे पा रहे कि नहीं, उनका केयर कर पा रहे कि नहीं। क्योंकि बालकनी का उस साइड में इतना हवा चलता है, उस हवा में वो लोग कितने अच्छे है नहीं है यही देखने के लिए। नहीं, आके देखी सब ठीक है, बहुत अच्छे से फूल खिला है। उसके बाद फिर मन तो अच्छा करके फिर मैं गई किचन। किचन में जाके रिदिका चिपोतले ओरिगेनो सैंडविच चाहिए और उसके साथ साथ उसको थोड़ा सा फ्रूट्स और ये सब दे देती हूँ। उसको आज सिर्फ टिफ़िन चाहिए, आज वो लंच लेके नहीं जाएगी क्योंकि स्कूल का कैंटीन में चिकन बिरयानी बनता है फ्राइडे का दिन। आज फ्रेंड्स लोग मतलब मिलके सब प्लान किए हैं कि आज हम लोग कैंटीन में खाएंगे। ठीक है, हमेशा नहीं बोलती है, कभी कभार बोलती है तो फिर हम छोड़ दिए। तो उसके लिए उसका सैंडविच हो गया रेडी, बनाना दे दी, अमाबट दे दी और एक मोतीचूर लड्डू, ये है उसका टिफ़िन। और लंच तो खाएगी चिकन बिरयानी, आज तो बहुत खुश है वो, सब फ्रेंड्स लोगों का साथ एक साथ खाने के लिए जाएगी कैंटीन में। और आज आशीष भैया का पिकअप एंड ड्रॉप दो ही है, तो बस आशीष भैया छोड़ने के लिए गए हैं। रिद्धि को बाय बाय कर दी, उसके बाद मेरी फ्रेंड्स लोगों के साथ मैं दो चार राउंड मॉर्निंग वॉक की। ये है मेरी मंडली, ये है मेरा मंडली जो सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग वॉक में ध्यान रहता है और फूल और फ्लावर प्लॉक करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग। उसके बाद मैं ऑफिस का काम कर रही थी मेरे लिविंग एरिया में, करते करते अचानक मुझे दिखा कि मेरी बैल्कनी में और एक नई कई अतिथि आई है। तो जैसे मैं देखी तो उसको थोड़ा फोकस की, देखिए हमिंग बर्ड्स आया है। ऐसा हमिंग बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मेरे बैल्कनी में आते रहते हैं और ये लोग ना हनी खाने के लिए आते हैं। जो फ्लावर्स का हनी होता है वो हनी खाने के लिए आते हैं, देखिए। और हनी बीज, बटरफ्लाई, हमिंग बर्ड्स, ये सब अब मेरा बालकनी में मिल जाएगा। देखिए बहुत सुंदर लगा मुझे, मैंने थोड़ा सा कैप्चर करके रख दी। उसके बाद थोड़ा नहा धो के मैं गई थी, मेरी अपार्टमेंट में ही रहती है रेखा बोल के मेरी एक फ्रेंड है, उनके घर में आज सत्यनारायण जी का पूजा था, सत्यनारायण व्रत कथा था, तो वहाँ पे गई थी। एक्चुअली ऑफिस डेज में ये थोड़ा सा मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट तब भी मैंने एक से डेढ़ घंटे का टाइम थोड़ा मैनेज करके गई थी। तो जाके वहाँ पे देखी कि बहुत सुंदर से पूजा हो रहा है और सब बैठे हैं सभी, मतलब थोड़ा बहुत एक घंटा डेढ़ घंटा थोड़ा सा मैनेज करके आए थे। और यहाँ पर आरती भी हो रहा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर से सब पूजा हो रहा था। मेरी जो फ्रेंड है ना वो वृंदावन से बिलोंग करती है, रेखा और कौशल भैया दोनों ही वृंदावन से हैं। तो देखिए मैं हम लोग कुछ दिन पहले वृंदावन घूमने भी गए थी, तो उसी जगह से ही ये लोग बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा। और उनका घर में जो गोपू है उनको देखे, कितना सुंदर कितना प्यारा गोपू है और उसको कितना सुंदर से सजाए हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और उसका जो फुल बांग्ला है देखिए, इसी जो मेरी जो फ्रेंड है रेखा, रेखा से मेरी घर की फुल बांग्ला ली थी गोपू के लिए। तो मेरा घर वाला जो फुल बांग्ला है वो बहुत सुंदर है और इनका घर में जो फुल बांग्ला मैं देखी वो भी बहुत सुंदर है और गोपू भी बहुत क्यूट है। और मुझे उस दिन पता चला ये कौशल भैया और रेखा की उस दिन एनिवर्सरी था, वेडिंग एनिवर्सरी। तो वेडिंग एनिवर्सरी में सत्यनारायण जी का व्रत कथा रखे थे। यहाँ पे पूजा तो बहुत अच्छे से हो गया है और यहाँ पे सब एक एक करके आरती ले रहे थे। आरती के बाद फिर भोग निवेदन होगा, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो ऐसे पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता भी है, तो इसीलिए बहुत सुंदर से मतलब पूजा हुआ है। और इस पूजा में योगदान करके बहुत अच्छा भी लगा था। अब पंडित जी ने दे रहे हैं शांति जल, जिसको गंगा पानी शांति जल बोला जाता है, तो वही शांति जल हम लोग ले रहे थे। और गोपू को देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे आरती हो रहा है, आरती का साथ साथ रेखा ने जो बनाई थी अपने हाथों में खाना वो गोपू को निवेदन करेगी। कितना सुंदर लग रहा है देखिए, और दोनों को बहुत सुंदर लग रहा है। जब पूजा में बैठे थे तब भी बहुत सुंदर लग रहा था और यहाँ पे यज्ञ हो गया है
और ये है मनाली मेरी फ्रेंड, ये चरण अमृत दे रही है और साथ में आंटीज लोग भी आए थे जिसके लिए एनवायरनमेंट और अच्छा लग रहा था सब कुछ। बड़े बड़े लोग जब आते हैं बड़े सब उनका आशीर्वाद उनका प्यार सब बहुत अच्छा लगता है। और ये है पिंकी और यहाँ पे मेरी सारी फ्रेंड्स लग गए अपने अपने काम पे। या ईप्सिता ने पूरी बेल रही थी, ये है स्नेहा, स्नेहा ने पूरी छान रही थी, रेखा पूरा फुल बिजी थी क्योंकि पंडित जी लोगों को खाना परोसना था। हम लोग का यहाँ पे जब पूजा पाचा होता है या जो भी होता है कोई भी फंक्शन होता है हम लोग फ्रेंड्स लोग ईच अदर सबको एक एक करके सबको बहुत अच्छे से हेल्प कर देते हैं। और जैसे मेरा घर में भी जब पूजा हुआ तो बहुत बिजी हूँ, ये लोग सच में बहुत हेल्प किए थे जिनकी जिसकी वजह से मेरा घर का पूजा इतना सुंदर से हुआ था। ये देखिए मियाँ बीबी बहुत सुंदर लग रहे थे, उनका एनिवर्सरी था, बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर घर में वापस आई प्रसाद लेके, आके देखी रिद्धि आ गई खाना खा ली और जामुन लेके आई थी तो जामुन का पूरा चाट बनाने के लिए बैठ गई और नाम दी है चटपटा जामुन। देखिए चटपटा जामुन के लिए क्या क्या चीज ली है, चिली तो पापा से कटवाई है और रेड चिली पाउडर सॉल्ट और शुगर लेके और पूरा जो होता है ना जामुन का भरता, वो जामुन का भरता बनाई है। देखिए डर भी नहीं लगा रेड चिली पाउडर से, वो मतलब पूरा एकदम स्मैश की है जामुन को। ये सब खाने में एकदम उस्ताद है मेरी बेटी ना, एकदम चटोरी है, एक नंबर का चटोरी। मतलब इसको ना स्वीट्स पसंद नहीं है, ना इसका पापा को स्वीट पसंद है ना मेरी बेटी को स्वीट पसंद है, और मैं स्वीट खाने में एकदम उस्ताद हूँ और मेरी बेटी एकदम, ये देखिए एक नंबर की चटोरी है, दारुन बोल रही है। उसके बाद तो ड्रेस में लग गया था, ड्रेस उस चेंज करके फिर DIY लेके बैठी है, कुछ कुछ बना रही थी, उसको कुछ मिला था ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब कर लेती है, खुद ही करती है बैठ बैठ के, आजकल मुझे दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये शायद कुछ पेन स्टैंड या पेंसिल स्टैंड बना रही है, जब रेडी हो जाएगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये खुद बना रही थी, कुछ कुछ ग्लासेस था बचा तो उसी ग्लासेस से डेकोरेट कर रही है, कलर भी खुद ही की है, खुद का जो पसंद है वही की थी। अच्छा है कि खुद को एंगेज रखती है। और आज तो फ्राइडे है, चिकन बिरयानी खा के आके पूरा एकदम मूड अच्छा था, ये सब लेके बैठ गई। और शाम को फिर बोली कि मम्मा चलो, मुझे उस दिन मम्मी पापा का एनिवर्सरी था, वो लोग केक कटिंग किए तो उसको भी मन हुआ था केक खाने के लिए, तो बोली मैं बोली हाँ ठीक है चलो सेफ बेकर्स में केक खिला देती हूँ। चलिए तो फिर आज का व्लॉग मैं यहीं तक ख़त्म कर रही हूँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, जो लोग नए हैं ऑफकोर्स सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगा नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।